हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो प्रोस्ट गेमिंग 2.0। और गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको BGIS सीजन 2 का फुल रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट बताने वाला हूँ, आपको कैसे रजिस्टर करना है। एंड साथ साथ में मैं आपको क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया भी बताने वाला हूँ विद फुल मैचेस जो कि आपको खेलने होंगे, और कितने मैच के अंदर आपको चिकन डिनर निकालना है, सब कुछ करना है। ये सारे ही थिंग मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड लिटरली 8 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो को खत्म कर दूंगा और आपको सारे ही डिटेल दे दूंगा BGIS सीजन 2 में आपको जाना कैसे, आपको जीत के 2 करोड़ रुपए घर पे कैसे लाने, सब कुछ बता दूंगा। तो प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ। तो गाइस, रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम पे चले आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और BGMI का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको चले जाना है, ठीक है। BGMI का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको ई स्पोर्ट्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर उसको खोलोगे तो वो नहीं खुलने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे ई स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर कुछ ग्लिच आ रखा है जिससे वो ई स्पोर्ट्स सेक्शन फिलहाल लोड नहीं हो पा रहा है, साइट जो है वो क्रैश कर चुकी है। बट डेफिनेटली ये आपको 2-3 घंटों के अंदर फिक्स होते हुए दिख जाएगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट आ जाएगा, और इतने तेजी से बंदे रजिस्टर करने लगेंगे ना, फिर से वो क्रैश ना हो जाए, तो सबसे पहले रजिस्टर कर लेना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे बाहर भी आपको ई स्पोर्ट्स का सेक्शन देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक करोगे तो भाई अभी फिलहाल वेलकम यूजर और पासवर्ड लिख के आ रहा है, और किसी को नहीं पता ये पासवर्ड क्या है एक्सेप्ट BGMI के जो ऑफिशियल लोग हैं उनको छोड़ के, ठीक है। ये किया गया गाइस जो मेन टीम से पहले उनको रजिस्टर करवा देने के लिए और बीटा टेस्ट ये सब कर लेने के लिए रजिस्टर का, और जैसे ही कंप्लीट होगा फाइनल स्टेप आ जाएगा। बट गाइस, हमारे इनसाइड स्पोर्ट्स के वेबसाइट पे गाइस, यहाँ पे इनसाइडर स्पोर्ट्स वालों ने BGMI का सारा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट साथ साथ में शेड्यूल एंड मैचेस सब कुछ कवर कर दिया अपने वेबसाइट पे, तो फटाक से अंदर चल लेते हैं। और गाइस, सबसे पहले आप ये फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, BGMI ID, इन गेम नेम, जेंडर, ID प्रूफ, अपलोड ID प्रूफ और लिटरली प्रोफाइल पिक्चर, ऐसा कुछ लिख के आएगा आपके फोन के स्क्रीन पे। लेकिन गाइस, इनसाइडर स्पोर्ट्स वालों ने इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया, ठीक है। तो फटाक से इनसाइडर स्पोर्ट्स वाले को देखते हैं उन लोगों ने आखिर लिखा क्या है। तो सबसे पहले गाइस, इनसाइडर स्पोर्ट्स का वेबसाइट जो है उसमें स्टेप 1 लिखा हुआ है, गो अबव बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वेबसाइट, ठीक है। और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का वेबसाइट पे जाकर ये कुछ होगा, और वहां पे सेकंड स्टेप है कि क्लिक ऑन BGIS 2023 रजिस्ट्रेशन बटन, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, आपको BGMI का वेबसाइट मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बताया वहीं पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, तो वहां जाकर के और BGIS का जो रजिस्ट्रेशन बटन होगा उस पर क्लिक करना। अब ये कहां दिखेगा आपको, चलो मैं बता देता हूं। तो गाइस, आपको ये जो बटन है ना ये दिखेगा BGMI के वेबसाइट के अंदर ई स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और ई स्पोर्ट्स कैटेगरी फिलहाल तो लॉग्ड है, आपको पता है यूजर एंड पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन लिटरली आगे चल के ये खुल जाएगा और यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन बटन दिखेगा। उसके बाद गाइस, आपको रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोवाइड टीममेट्स इन्फॉर्मेशन होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें एक गलती भी हुई ना, आपका सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट रिजेक्ट होगा और आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी विदाउट रजिस्टर किए हुए। तो ध्यान से मेरी बातों को सुन लो। सबसे पहले गाइस, आपको अपने 5 टीममेट्स को मेंशन करना है, 4 नहीं करना, 3 नहीं करना, 2 नहीं करना है, 5 करने, ठीक है। 5 से 6 भी नहीं हो सकता है और लिटरली 3 भी नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट 5। और 5ों का सबसे पहले इन गेम नेम प्लस कैरेक्टर ID, एंड देन भाई इन गेम नेम कैरेक्टर ID डालने के बाद आपको खुद का, ठीक है, अपने सेल्फ का और साथ साथ में अपने जितने भी टीम मेंबर्स है सबका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड दोनों का डिटेल्स, अगर आधार और पैन दोनों नहीं है तो सिर्फ आधार भी चल सकता है, लेकिन आगे चल के पेमेंट्स लेने के लिए पैन कार्ड भी लगेगा ही लगेगा, तो आप अभी दोनों डाल दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, ये डाल देना। और साथ साथ में स्टेप 5 जो होगा ना उसके अंदर गाइज, आपको अपने सारे डिटेल को रीचेक कर लेना है एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहां से एक इंफॉर्मेशन भी आपकी गलत हुई ना, आधार पैन की बात नहीं कर रहा, आधार तो खैर सही होना ही चाहिए, पैन कार्ड की तो फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा अगर एक भी चीज अगर गलत हुई तो फिर गाइज आप डायरेक्ट ही डिस्क्वालीफाई होने वाले हो, कोई भी आपको नहीं बचा सकता है, स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से करके और फिर सबमिट कर देना फॉर्म को, ठीक है, सक्सेसफुली, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ये करने के बाद गाइज, सिंपली आपके जो मैचेस होंगे ना उसमें आपको बेस्ट ऑफ 2048 में रखा जाएगा, यानी कि 2048 टीम्स जो होगी ना वो पूरे ही इंडिया से निकाली जाएंगी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आप बता दो कितने मैचेस होंगे जो कि आपको खेलने होंगे जो BGMI कैप्चर करेगा आपके प्लेयर ID से, ठीक है। लिटरली गाइस, जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे देन आपको यहाँ पे 10 से 17 अगस्त के बीच में 15 क्लासिक मैच खेलने होंगे, और ये 15 में से आपके जो टॉप 10 मैचेस होंगे ना वो आपके काउंट होंगे। अब ये टॉप 10 मैचेस में जरूरी नहीं है आपको चिकन निकालना है, बट ट्राई करना है अपना सर्वाइवल पॉइंट बेस्ट रखने का, क्योंकि न्यू पॉइंट सिस्टम से आपका लिटरली ये पॉइंट्स काउंट होंगे, एंड ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट होने के बाद टॉप 2048 टीम्स जो होंगी ना वो जाएंगी क्वालिफायर्स में, ठीक है, क्वालिफिकेशन होकर के। लेकिन उसके आगे भी उनको बहुत सारे मैचेस खेलने होंगे, इतना हलवा नहीं है BGIS जितना आप सोच रहे हो। सबसे पहले तो इन गेम क्वालिफिकेशन होंगे और उसके बाद गाइज आप आगे जाओगे, लेकिन आगे जाके आपको क्या फायदा है ये जान लेते हैं। सबसे पहले BGMI का प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन
संख्या है 2 करोड़ के बीच में, ये समझ लेते हैं ठीक है फटाक से चल के। और बता दूं मैं कि लैन इवेंट जो होगा ना आपका वो फैंस के साथ होगा, पूरे फैंस से भरा हुआ ग्राउंड में होगा और वो 12 से 14 अक्टूबर के बीच में होगा ठीक है। और ये काफी ज्यादा बेस्ट लैन इवेंट होगा, इसके अंदर पूरे ही फैंस होंगे भाई। भाई इस बार सिर्फ खेलने में नहीं देखने में भी लैन को काफी ज्यादा मजा आएगा, सारे ही फैंस के साथ बैठ के लिटरली आराम से इंजॉय कर सकते हैं बीजेएमआई का लैन इवेंट। और गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके बाद मैं तुमको डिटेल दूंगा कितने मैचेस खेलने होंगे तुमको, सीधा डायरेक्ट फाइनल में कौन कौन जाएगी टीम्स। और पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सोल और गॉडलाइक जो है ना वो डायरेक्टली क्वालिफाइड हो चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए, उनको डायरेक्ट सेमीफाइनल में स्लॉट मिल गया। और भाई वो बड़ी टीम्स है, इंडिया की बेस्ट टीम्स है, तो डेफिनेटली सेमीफाइनल में स्लॉट तो रिजर्व करती ही थी। और गाइस तुम्हारे सामने प्राइस पूल का यहाँ पर पूरा चिट्ठा आ चुका है, हमारा टोटल प्राइस जो 2 करोड़ रुपये है ना उसमें से फर्स्ट प्राइस जो है वो 75 लाख रुपये का है, सेकेंड प्राइस यहाँ पे 37 लाख 50 हज़ार, थर्ड प्राइस यहाँ पे 25 लाख, फोर्थ प्राइस 12 लाख 50 हज़ार, फिफ्थ प्राइस यहाँ पे 10 लाख, सिक्स्थ यहाँ पे 8 लाख, उसके बाद 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ऐसे करके काफ़ी सारे प्राइजेस है। MVP को भी प्राइजेस है, द राइजिंग स्टार को भी प्राइजेस है, MVP जो फाइनल का बनेगा उसको भी है, बेस्ट IGL को भी प्राइज मिलने वाला। तो भाई प्राइस के बारे में तो यहाँ कोई भी BGMI कभी से कंजूसी नहीं करता भाई। तो गाइस अब बात कर लेते हैं BGIS के ग्रैंड फाइनल फॉर्मेट की, तो टोटल 256 टीम सिलेक्ट होंगी 20,4800 टीम में से, यानी कि 2048 टीम में से लिटरली यहाँ पे 256 टीम सिलेक्ट होंगी और उसमें से भाई 128 टीम से आगे जा पाएंगी ठीक है। और लिटरली 128 टीम्स को दो दो ग्रुप में बांट करके उसमें से 64 टीम्स निकलेंगी और वो 64 टीम्स का भी लिटरली 32 का पार्टिसिपेशन बनेगा और उसमें से भी लास्ट के जो 64 टीम्स बचेंगे ना 32 मिला करके वो जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में, क्वार्टर फाइनल से लिटरली सेमीफाइनल्स में जाएंगे वहां पे ओनली 16 टीम्स। और भाई बाकी और टीम्स को मिला करके और फाइनल में टोटल 24 टीम्स का मुकाबला होगा और वो जीतेंगे BGIS को ठीक है। और शेड्यूल देख सकते हो गाइस तुम्हारे सामने आ चुका है, अभी जो प्रैक्टिस टीम्स हो रही है ना वो भी भाई BGIS के लिए हो रही है, वो क्वालिफाइड टीम्स को इन्वाइट किया गया था T1 टीम्स को, और लिटरली T1 टीम्स का ये शेड्यूल तुम्हारे सामने है। और लिटरली तुम्हारा भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही होगा जब अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो 2048 टीम्स के बीच में ठीक है। तो गाइस यही था ओवरऑल फॉर्मेट BGIS का। और मैं तुमको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर तुम 15 मैचेस जो खेल रहे हो ना उसमें से भाई तुमको सबसे पहले सर्वाइवल पे फोकस करना है, क्योंकि तुमको 15 में से 10 मैच कंफर्म चिकन निकालने ही निकालने हैं, एनी हाउ निकालने हैं। और भाई वो 10 मैच जो चिकन निकालो उसमें से ट्राई करना है कि तुम्हारे टीम का जो मिनिमम किल क्राइटेरिया हो ना वो मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 किल के बीच में हो, क्योंकि भाई उतने किल और प्लस चिकन डिनर तुम्हारा एक स्लॉट कंफर्म कर देंगे BGIS के फाइनल टीम में क्वालिफाइड टीम में, और लिटरली फिर तुम जा सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल गलती मत करना कि हैक लगा के चले गए खेलने, भाई BGMI ने वेरीफाई कर लिया ना, तुम और साथ साथ में तुम्हारे सारे टीममेट चले जाएंगे ठीक है। और सबको पता है कि BGIS हैक लगा के कभी नहीं जीता जा सकता है। तो भाई बहुत बढ़िया से खेलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लिटरली BGIS जीत के आओ, तोड़ के आओ, फोड़ के आओ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेवनाड़ा।